नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल और क्लास 9 साइंस का हम लोग वर्क एंड एनर्जी चैप्टर पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे वर्क डन क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो हम लोग पिछले पार्ट में हम लोग वर्क क्या होता है, साइंटिफिक डिफिनेशन क्या होता है वर्क का, वो हम लोग पढ़े थे। उसमें हम लोग को दो चीज निकल के आया था, दो चीज ये बात निकल के आई थी, कोई भी अगर काम हो रहा है वहां पे, अगर वर्क हो रहा है तो वहां पे हम लोग अगर साइंटिफिकली उसको कब वर्क डन कहेंगे, जब उसमें दो चीज उसमें आ जाती है। पहली चीज उसमें एक कांस्टेंट फोर्स लगे, एक्सटर्नल फोर्स उसमें अप्लाइड हो, दूसरा चीज उसमें डिस्प्लेसमेंट हो। अगर ये दो चीज मीट हो रही है, ये दो कंडीशन अगर कहीं ही चीज में लग रही है, तब वहां पे हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। ये चीज मैंने पिछले वाले पार्ट में, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में बताया था, अगर नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाके इसको देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग दो चीज पता चल गई थी कि ए फोर्स मस्ट बी एक्टेड ऑन द बॉडी, किसी भी बॉडी पे एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए। साथ साथ सिर्फ फोर्स लगने से नहीं होगा, उसके साथ साथ उसमें डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, वो अपना पोजीशन चेंज करे। अगर ये दो कंडीशन आती है तो वहां पे हम लोग कहेंगे कि वर्क डन हो रहा है। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, एक हमारे पास एक टेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में एक टेबल रखा हुआ है, उसके ऊपर दो एक ये वुडन ब्लॉक रखा हुआ है। ओके, ये वुडन ब्लॉक दोनों सेम ही है। पहले यहाँ वाला पोजिशन को देखो, यहाँ वाले पोजिशन पे एक वुडन ब्लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में एफ फोर्स यहाँ पे मैंने अप्लाई किया। ठीक है, जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ से इसका पोजीशन चेंज होके अब ये न्यू पोजीशन पे आ गया। मैं एन लिख देता है, न्यू पोजीशन यहाँ पे ये आ गया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस हुआ, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ पे जो इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम लोग एस से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज हो रहा है, फोर्स लग रहा है, साथ साथ यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट में। ये जो वुडन ब्लॉक था ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे फोर्स भी लग रहा है, पोजीशन भी चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे साइंटिफिकली वर्क डन हो रहा है। ओके, ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अब वर्क डन कितना हो रहा है ये निकालने के लिए इसको हम लोग निकालते हैं, अगर हम लोग इसके फोर्स को और इसके डिस्प्लेसमेंट को प्रोडक्ट ले लेते हैं तो वो हमारा वर्क डन आ जाता है। इसका अगर हम लोग डिफिनेशन की अगर बात करें तो वी डिफाइन द वर्क टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो वही उसका वर्क डन हो जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ से और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस से। ठीक है, यही चलता है, इसको हम लोग यूज करेंगे, और वर्क डन को डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस। बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ओके, यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट में वर्क कब हो रहा है, फोर्स इसमें लग रही है और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस, इससे हम लोग वर्क डन निकाल लेंगे। यहाँ पे फोर्स ध्यान रखिएगा कॉन्स्टेंट फोर्स होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब मान लेते हैं कि फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है वो 1 न्यूटन का फोर्स है। ओके, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें भी 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि ऐसा यूनिट ले लिया, दोनों का यूनिट अगर हम लोग लेते हैं, 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर अगर हो रहा है, मान लेते हैं ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट में 1 न्यूटन का फोर्स लगा है उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर का हुआ, ठीक है, तो वो जो आएगा उसका जो वैल्यू आएगा 1 न्यूटन मीटर आएगा। फोर्स का जो यूनिट हो गया न्यूटन और जो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया मीटर, तो 1 न्यूटन मीटर इसका आएगा। ठीक है, तो यहीं से इसका यूनिट निकल जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, तो फोर्स का वर्क डन का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर रहेगा। इसको हम लोग एक शब्द में जूल भी बोलते हैं, तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। आप न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो, जूल भी लिख सकते हो, लेकिन कहीं पे भी जूल भी लिख के आएगा, न्यूटन मीटर आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जूल लेके चलना है, सब जगह जूल लेके चलते हैं, तो जूल जिसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हो गया। अब यहां पर समझिए, 1 जूल ऑफ वर्क डन, ठीक है, अगर कोई इसको इसी चीज को अगर हम लोग दूसरे तरीके से लिखें, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अगर 1 जूल का वर्क डन हो रहा है, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन एन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस इट बाय 1 मीटर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, 1 जूल ऑफ वर्क डन कब होगा, जब
एक न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में लगे और उसी फोर्स के डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक मीटर हो जाए, तो उसको हम लोग 1 जूल ऑफ वर्क डन बोलेंगे। ठीक है, तो यही इसका डेफिनेशन, मतलब 1 जूल ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा कि 1 जूल ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये जरूरी है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो इसको 1 जूल ऑफ वर्क डन हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो यूनिट भी इसका जूल हो जाएगा वर्क डन का, जिसको जे से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल जैसे, स्मॉल जैसे नहीं करना है, कैपिटल जैसे करना है। ठीक है, या कहीं पे न्यूटन मीटर भी लिखा रहा तो वो भी चलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है बस। अच्छा, अब वर्क डन जो है वो किसी ऑब्जेक्ट का जीरो हो सकता है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि साइंटिफिकली बहुत सारे, जैसे आप एक जगह बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, आप में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, आप एक जगह चुपचाप बैठ के पढ़ रहे हो 2 घंटा लगातार पढ़ते रहे, तो वर्क डन होगा? नहीं, नहीं होगा। साइंटिफिकली वर्क डन यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वर्क डन जीरो हो रहा है, तो किस स्थिति में वर्क डन जीरो हो जाएगा? तो इस चीज को हम लोग समझते हैं फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला यहाँ पे जो हमारा निकल गया, वर्क डन इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई एस। ठीक है, वर्क यहाँ पे डब्ल्यू हो गया वर्क डन, एफ हो गया फोर्स और एस हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, जो स्थिति हो रही है पढ़ने वाले केस में, आप एक जगह बैठ के 2 घंटा पढ़ रहे हैं, आप में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो एस का वैल्यू अगर जीरो होगा तो डब्ल्यू का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो जीरो मल्टीप्लाई बाय फोर्स का वैल्यू कुछ भी रहे जीरो होना ही है। अगर आप एक बड़े से स्टोन है, ठीक है, बड़ा से स्टोन है, इसको आप यहाँ पे पुश कर रहे हो, लेकिन ये इतना हैवी है कि बिल्कुल भी नहीं हिला, भले आप कितना भी फोर्स अपना लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स तो आपने अप्लाइड किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो फिर से यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, ओके। अगर किसी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन फोर्स नहीं लग पाया, तो इस केस में भी वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो ये सब सिचुएशन है, आप फॉर्मूला से अप्लाई करके निकाल सकते हो कि किस केस में, अगर इस तरह का एग्जांपल कोई दे देता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इस तरह का ये काम हो रहा है तो इसमें वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बस यही ध्यान रखना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में से कोई एक चीज जीरो हो जा रही है, या तो उसमें मूवमेंट नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो उसमें वर्क डन जीरो हो जाएगा। ओके, इस केस में वर्क डन जीरो हो जाता है। ओके, अब वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, वर्क डन निगेटिव भी होता है, ये किस किस कंडीशन में हो जाता है? अगर पहले पॉजिटिव वाला चीज समझते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उसमें फोर्स लगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, और जो डिस्प्लेसमेंट है किसी ऑब्जेक्ट में वो फोर्स के ही डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग पीछे से पुश किए, मतलब उसमें फोर्स लगा है, ठीक है, तो फोर्स लगा है तो उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो फोर्स के डायरेक्शन में ही ना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। ओके, जैसे कि फोर्स मान लेते हैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, उसमें 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो 10 × 2 = 20 जूल इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, अगर एक सिचुएशन ऐसा बनाते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में जो मूवमेंट हो रहा है, जो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इस केस में वर्क डन निगेटिव होगा। कौन सा ऐसा सिचुएशन है? जैसे एक फील्डर है, क्रिकेट के मैच में एक फील्डर है, एक बॉल को वो कैच किया, ठीक है, तो अब देखिए इसमें बॉल में जो फोर्स लग रहा था वो फील्डर के डायरेक्शन में लग रहा था, ठीक है, लेकिन जो फील्डर के द्वारा जो इसमें फोर्स लगाया गया वो बॉल के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया, तो यहां पे और नेट में क्या हुआ, वो जीरो हो गया, पोजीशन भी चेंज हुआ, फोर्स भी लगा, लेकिन फोर्स का जो डायरेक्शन था फील्डर के द्वारा वो बॉल के डायरेक्शन के अपोजिट था ना, बॉल तो उसके तरफ आ रही थी, फोर्स उसके अपोजिट में लगा रहा था, तो इस सिचुएशन में वर्क डन निगेटिव हो जाता है। ठीक है, यहां पर एक चीज जरूरी है ध्यान रखना कि फोर्स का जो डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है ये 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक ठीक अपोजिट होना चाहिए, दोनों ही ठीक 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 बराबर उल्टे दिशा से लगना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसका जो पूरा फॉर्मूला जो होता है वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा वाला जो इसका जो फॉर्मूला है ये हमें 11th क्लास में पढ़ना है, तो उस चीज में हमें अभी नहीं पढ़ना है कॉस थीटा वाला, बस इसमें ध्यान ये रखना है कि जो फोर्स का डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से 180 डिग्री होना चाहिए, मतलब कि ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, तो यहाँ पे वर्क डन निगेटिव होगा। ठीक है, ये एक तरह का रिटार्डिंग फोर्स होगा, जैसे फ्रिक्शन फोर्स भी लगता है, कोई कार मूवमेंट कार अगर मूव कर रही है उसमें जो ब्रेक लगता है तो फ्रिक्शन कारण लग रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे भी निगेटिव वर्क डन आ जाएगा।
ठीक है। वैसे तो वर्क डन आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव जो चीज आ रहा है वो उसके डायरेक्शन को बता रहा है कि फोर्स किस डायरेक्शन लग रही है। अगर मूवमेंट के डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन होगा, और मूवमेंट के अपोजिट में अगर फोर्स लग रही है तो यहाँ पे निगेटिव वर्क डन होगा। अब एक क्वेश्चन बना लेते हैं यहाँ पे। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट है इसमें 5 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स लग रहा है। ओके, समझना है, पहले क्वेश्चन को समझिए। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डायरेक्ट 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में ही 2 मीटर का इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट जो है 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, 5 न्यूटन का फोर्स लगा था। ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव करके हो सकता है यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे जो बीच का जो दूरी है वह 2 मीटर हो गया। ओके ठीक है, देन व्हाट इज द वर्क डन, द वर्क डन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। ऐसे ही लिखना है, फोर्स कितना था 5 न्यूटन, ठीक है, जिसमें जो गिवन डाटा पहले वो लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एस से रिप्रेजेंट करते हैं 2 मीटर, फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करेंगे 5 न्यूटन। ओके, अब वर्क डन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू एस। ओके, तो यहाँ पे 5 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई 2 न्यूटन आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर, जिसको हम लोग 10 जूल भी लिखते हैं। ठीक है, तो जूल इसका यूनिट होता है वर्क डन का, तो 10 जूल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में।